अगर इस तरह से सर्प अगर मणि को धारण किए हुए हो तो भी वो छोड़ने योग्य ही है क्योंकि वो जहरीला है। इसी तरह से अगर कोई उत्सूत्रवासी है जिन आज्ञा को उल्लंघन करता है तो वो उत्सूत्रवासी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है, ही मस्ट नॉट हैव एनी डिजायर टू अकम्प्लिशिंग द टेम्पोरल लाइक अर्निंग लाइवलीहुड एटसेट्रा बाय मींस ऑफ गिविंग डिस्कोर्सेस ऑन शास्त्र। अब ये एक थोड़ा मैटर भी है और एक सब लोग नहीं तो काफी अच्छे डिस्कशन हो सकता था, कोई बात नहीं हम लोग करते हैं फिर नेक्स्ट टाइम जब सब लोग होंगे तो फिर से कर लेंगे। इसमें ऐसा है कि हिंदी में अगर हम इस बात को बोलें ये पॉइंट पांच नंबर का है टेम्पोरल लाइक अर्निंग लाइवलीहुड एटसेट्रा, तो कैसा होना चाहिए जिसको शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। अब इसमें यह है कि भाई दो शास्त्र वाच के आजीविका आदि की इच्छा जिसकी ना हो। अब इसकी पंडित जी ने बहुत अच्छा लॉजिक भी दिया है वैसे आगे कि वो शास्त्र वाच के उसकी लौकिक कार्य की इच्छा ना हो जैसे पैसे वो कमा। मतलब कोई विद्वान ऐसा प्रोफेशनली क्यों नहीं बन सकता कि वो भाई लेक्चर्स के पैसे ले। अच्छा लोग तो देने को तैयार हैं, लोग देंगे भी, फिर वो पंडित जी ने यहाँ मना क्यों किया कि विद्वान ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि फिर समाज को लाभ कैसे मिलेगा, कौन सुनाएगा, ये अनेक ऐसे हमारे सामने प्रश्न पैदा हो सकते हैं कि हमारा मन हमारा मस्तिष्क कई सारे प्रश्नों से भर सकता है कि आजीविका के लिए आपने मना किया तो मतलब अगर कोई ने किसी ने मान लो प्रवचन करने का ही सोचा है केवल तो अपनी आजीविका कैसे चलाएगा। तो पहली बात तो प्रवचन क्या होते हैं वो आप लोग समझ लीजिए, किसी को पढ़ाना क्या होता है वो समझ। जब एक व्यक्ति प्रॉपर शास्त्रों का अध्ययन करता है या समझ लो कहीं गुरुकुल में पढ़ा हुआ हो करता है तो वो अपने लौकिक आजीविका को करता है उसके बाद, है ना। लौकिक आजीविका करने के बाद उसको ऐसा ध्यान आता है कि मैं सांसारिक कार्य तो बहुत करता हूं तो मैंने जो जिनागम को पढ़ा है और मुझमें समझाने की बुद्धि भी है, लोक में मेरा यश भी है और मुझे उस संबंधी अनुकूलता भी है, इतनी सारी चीजें मेरे पास हैं। अब इतनी सारी चीजें अगर मेरे पास हैं तो फिर अब मुझे स्वाध्याय करना भी चाहिए और कराना भी चाहिए। तो स्वाध्याय तो रोज करता है वो, लेकिन उसे सहज अनुराग के वशीभूत ऐसे विचार आते हैं कि अब मुझे स्वाध्याय कराना भी चाहिए। तो जो स्वाध्याय कराना चाहिए ये है एक, मतलब कोई किसी को स्वाध्याय कराता है तो वो किस कंडीशन क्या बनती है कि वो अपनी लौकिक आजीविका साधने के साथ साथ उसे ऐसा विचार आता है कि मुझे सबको ये बताना चाहिए, वो वक्तापना है। पंडित जी कह रहे हैं यहाँ कि भाई अगर लौकिक आजीविका साधने का अगर यहाँ रहा तो वो आशावान रहेगा। हाँ विजल जी आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे। सौरभ जी मुझे एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे अपने दिगंबर के नहीं बट श्वेतांबर के तो बहुत सारे ऐसे पंडित जी को बुलाते हैं एंड दे गिव देम कंपेंसेशन, सिर्फ टिकट का खर्चा नहीं और भी एक्स्ट्रा कुछ दे के बुलाते हैं और ऐसे बहुत लोग आते भी है। नहीं देखिए दो चीजें हैं, एक मैं इसमें ऐसा बोलता हूँ टिकट का खर्चा दे दिया और एक सम्मान राशि होती है, मतलब कोई डिमांड नहीं रखी किसी ने, लेकिन जैसे आते हैं ना, अब जैसे हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, अपने यहाँ मेहमान आते हैं तो अपन उनको बुलाते हैं तो उनका टिकट भी देते हैं, जब वो जाते हैं तो उनका अपन टीका करते हैं, कपड़े देते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम किसी मेहमान को बुलाते हैं तो उसको बुलाते हैं, टिकट कराते हैं, उसको टीका करते हैं, बाद में उसको लिफाफा भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, सब कर, ये इसे बोलते हैं अपन सम्मान। तो एक सम्मान होना अलग बात है, लेकिन इस चीज को ऐसा लोग कि वो तय करके आए मैं आपके मेहमान तब बनूंगा जब आप इतना फिक्स कर लोगे। तो ऐसा ही अगर समाज अपनी तरफ से भाई बहुमान करती है, सम्मान करती है, देन इट इज ओके, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है वो बिल्कुल तय करके आ रहा है, मैं आपके यहाँ आऊंगा लेकिन मैं 10 दिन के 2 लाख रुपए लूंगा, बस पर डे के इतने 20,000 रुपए लूंगा, 2 लाख रुपए लूंगा, आप अगर तैयार हैं तो मैं आता। पंडित जी उसके लिए मना करना है, विद्वानों का तो सम्मान होना ही चाहिए। रीजन क्या है,
कि विद्वान का सम्मान होगा तो दूसरे विद्वानों को प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो समाज में एक्टिव रहेंगे। अगर समाज विद्वान से सब कुछ सीख ले और उनका सम्मान ही ना करे, तो सम्मान करने का तरीका क्या है? सम्मान करने का यही तरीका है भाई, जैसे अपने यहाँ कोई मेहमान आता है, हम उसको गिफ्ट भी देते हैं, हम उसको लिफाफा देते हैं, ये सब सम्मान है। अच्छा, इससे कोई वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता कभी भी, लेकिन ये हमारा एक सम्मान प्रकट करने का तरीका है। भगवान की वेदी पर हम जो चावल चढ़ाते हैं तो वो एक सम्मान प्रकट करने का तरीका है। तो अगर हम बहुमान रूप में सम्मान करते हैं उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसमें फुल टाइम आजीविका बना के और जहां जाएगा रेट तय करके जाएगा फिर मैं प्रवचन कराऊंगा, तो कहते हैं वो फिर पंडित जी ने जो कहा कि आजीविका आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आशावान रहे तो जिसने आपको बुलाया उसने कहा पंडित जी आप आ जाओ और अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 लाख रुपए में, 10 दिन के लिए आ जाओ, 6 लाख रुपए आपको देंगे हम, उसमें बस इतना है कि मैं जो बोलता जाऊं आप वो करते जाना। और पंडित जी को भी लोभ आ गया कि भाई पर डे के 60,000 रुपए मतलब $800-900 पर डे के मिल रहे हैं, ठीक है तुम जो बोलोगे बोल देंगे, कि भाई पैसे जो दे रहा है उसने जो बोला वैसे ही बोलना पड़ेगा ना। तो ये नेचुरल है, पता है बहुत सारे सेठ हैं, मतलब वो मतलब मैं इंडिया की बात बताऊं इतने ऐसे सेठ हैं ढेर सारे, 10 दिन के 10 लाख भी दे सकते हैं, 20 लाख भी दे सकते हैं, बस शर्त ये रहेगी आप बता देना साहब, ये चीजें बता देना आप। मान लो वो कोई गृहित छात्र का पोषण करता है तो वो कह दे कि साहब मैं आप आइए और मैं पर डे के 2 लाख दूंगा आपको, लेकिन बस आप ये गृहित मिथ्यात्व का पोषण कर देना, या मैं जो धंधा करता हूँ लोग उसको गलत बोलते हैं उसको सही बोल देना। तो पंडित जी ने कहा कि भैया अगर वो आजीविका चलाएगा तो आशावान रहेगा तो सही बात कैसे बोलेगा? तो कभी जी अंतर समझ में आया आपको दोनों में? जी सौरभ जी अभी समझ में आ गया। सौरभ जी यहाँ पे एक बात आती है कि कोई अगर अपने सब कुछ काम छोड़ दिया हो या जिसने धर्म में ही पूरा अपना टाइम लगा दिया हो और उसके पास आजीविका कोई सोर्स ही नहीं हो, पर इसके लिए उसको, पर अगेन उसमें आपने जैसे कहा कि रेट डिसाइड किया कि ऐसा मीन्स वो ऐसा मतलब पैसे लेके ही आता हो या बिकॉज वो उसके उसके आजीविका के लिए चल रहा हो, तो भी एक बोलिए तो भी वो एक आप जैसे बोल रहे वही होगा राइट। देखिए मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे नहीं कि वो उन्हें समझ लो फुल टाइम यही है उनका काम, लेकिन वो लोग एक अपनी मर्यादा और सज्जनता बनाए रखते, कैसे किसी ने बुलाया विधान के लिए प्रवचन के लिए तो वो चले जाते हैं, उनको फिर लगता है कि भाई पंडित जी का अपने टाइम बहुत लिया है और भाई जिनवाणी सुनाने के कोई पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी पंडित जी टाइम की वैल्यू तो करनी पड़ेगी अपन को ना भाई, हम तो टाइम के पैसे दे रहे हैं, जिनवाणी सुनने के तो कौन दे सकता है। तो उसमें पंडित जी आशावान नहीं रहे कि भाई मैं जाऊंगा इन्हें तय करके बुलाया है तो उस अच्छा वो, फिर समाज उनके साथ यहाँ भारत में काफी अच्छा बिहेव करती है, ऐसा बुरा नहीं करती है, वो बस बुलाती हैं और बुला के उनको उनको जो समझ में आता है कि भाई इनके टाइम की इतनी वैल्यू है। अब याद रखिए जिनवाणी की वैल्यू नहीं है ना भाई, हमने अगर इतना टाइम लिया है इनका तो इतना हमें इनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो फिर आगे जिनवाणी की परंपरा कैसे प्रवर्तेगी। तो उसे हम प्रोत्साहन राशि बोलें सम्मान राशि बोलें वो कर सकते हैं, लेकिन अब वो उसने रेट तय कर लिया हो चार्ट बना लिया हो कि इस टॉपिक के इतने रुपए इस टॉपिक के इतने रुपए और आपको जो बोलवाने बोलवा लो मैं बोल दूंगा, तो वो पंडित जी वहां बोल रहे हैं ये गलत है। ठीक है सौरभ जी। वैसे तो देखो मैं अगर ऐसे पर्सनली आप अगर मेरी व्यू पूछोगे तो मैं इस बात के थोड़े से अगेंस्ट में रहता हूँ कि क्यों बनाना फुल टाइम इसको आजीविका, फुल टाइम इसको आजीविका क्यों बनाना, नहीं बनाना चाहिए। एक जैनदर्शन का टीचर होना अलग बात है, जैसे जयपुर में कॉलेज है वहां जैनदर्शन का टीचर है, उनको स्कूल पे करता है, ट्रस्ट पे करता है, कॉलेज पे करता है, वो टीचर है, वहां कोई आशा नहीं उनकी। अच्छा वहां कोई दबाव भी नहीं डालेगा क्योंकि वो ऑन रोल है, वो फिलोसफी पढ़ा रहे हैं वहां, तो टीचर है वो। अब यहां तो कोई व्यक्ति बुलाए आपको तो अपने स्वार्थ से बुला के आपको ज्यादा पैसे देके आपके अपने अनुसार बुला सकता है, बुलवा सकता है वो। अब आपको तो फिर तो ऐसे वो स्कूल और ट्रस्ट भी बुलवा सकता है,
तो वो नहीं बोलवा सकते, वो क्या बोलते हैं, आप आइए, आप फिलोसफी पढ़ाइए ना, जर्नलिज्म पढ़ाइए, आप जो लिखा है वो ही पढ़ाइए, आप गलत नहीं पढ़ाइए। तो वहां तो उल्टे ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जो लिखा है वो ही पढ़ाओ, आप मन से कुछ मत पढ़ाओ। तो इसमें काफी सारा डिस्कशन के लिए हमारे पास स्पेस है कि जब हम देखते हैं कि ऐसा है तो हमें क्वेश्चन उठता है। अच्छा, कुछ चीजें इसीलिए थोड़ी सी बिगड़ भी गई चीजें कि हमने ऐसा मान लिया कि धर्म कोई काम की चीज नहीं है। देखो, इसको पढ़ाने वाले तो थोड़े से कंडीशन उनकी नॉर्मल होती है, उनकी तो पीठ पीछे ऐसे बातें होती है कि पैसे नहीं है, यही आजीविका का सोर्स है। मेरे ख्याल से उस समय भी कुछ ऐसा चलने लगा होगा, इसलिए पंडित जी ने वक्ता के स्वरूप में डाला कि वक्ता ना आशावान नहीं होना चाहिए और शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की उनको इच्छा नहीं होना चाहिए। वैसे ये फैक्ट है, लौकिक कार्य साधने की इच्छा तो ना हो, क्योंकि आशावान व्यक्ति यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके आप प्रयोजन साधने का ही साधन रहे। देखिए, जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, इतने साल पढ़ाते पढ़ाते बाहर जाते जाते इतना तो हमें एक सामाजिक ज्ञान हो ही गया। क्या होता है, जिस अपन जहाँ बाहर जाता हूँ मैं, तो जिसके यहाँ रुको, तो ऑफकोर्स अब किसी के यहाँ अगर आप 5-10 दिन रुक रहे हो तो उनकी फैमिली से बड़े फैमिलियर हो जाते हैं अपन, उनको अपन से राग हो जाता है, अपन को भी उनसे राग हो जाता है, बहुत नेचुरल चीज है वो। तो वो फिर प्रवचन के बाद घर में चर्चाएं होती है, पंडित जी आप कल ऐसा बता देना, पंडित जी आप कल ऐसा बता देना, उनको आप नाम मत लेना लेकिन ऐसा बोल देना उनने ऐसा किया था। आप जानते हैं, मैंने आज तक की लाइफ में मैं जिसके यहाँ ठहरा ना, उनसे स्नेह बराबर रहा, लेकिन अगर उनने मुझे कोई बात बोली कि ऐसा बता देना, हाँ किसी के फीडबैक है दैट इज वो तो वेलकम, लेकिन उनको उनको ये बोल देना, उनको समझ में आ जाएगा आपने क्या बोला। मैंने नहीं बोला आज तक। फिर उन्होंने बोला, पंडित जी आपने बोला नहीं। मैंने कहा देखिए, मेरा कोई अभी जो प्रकरण चल रहा था तो उस प्रकरण में कोई ये वाली बात आई नहीं, मैं अलग से कैसे बताऊं, और मुझे कोई उनसे तो द्वेष है नहीं, ये तो साहब आपके समाज की बात है, ये तो आप लोग आप डिस्कस करना। मैं तो क्या 10 दिन का हूँ और मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरा जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक पे लेना जरूरी होता है, ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है कि हम टॉपिक के अलावा कुछ नहीं लेते। मैंने नहीं लिया आज तक, उन्हें नहीं पता है, मतलब ये तो बता रहा हूँ कि किसी के रुको और उनसे स्नेह हो तो वो हर दिन इंस्ट्रक्शन। अच्छा, फिर वो 6-7 दिन बाद वो लोग समझ जाते हैं कि पंडित जी जो विषय है ना उसकी बात बोलते हैं, अपन मत बोलो इनको, तो फिर वो 6-7 दिन बाद बोलना बंद कर देते हैं। फिर आखिरी दिन बोलते भी हैं अपन से, अच्छा रहा आपने हमारा कहना नहीं माना। अब जब प्रवचन सुन सुन के 10 दिन में हमें ये समझ में आया कि हम तो अपना राग द्वेष आपके माध्यम से पूरा करवाना चाहते थे, तो मैंने कहा ये मुझे पता था आप अपना राग द्वेष मेरे माध्यम से पूरा करवाना चाहते थे, तो मैंने नहीं किया। सर जी, ये एक बात मैंने भी देखी है कि कभी कैसा होता है कि पब्लिक, मतलब पब्लिक आती नहीं है, उनको जो सुनना है उसके हिसाब से, अरे ये अच्छा नहीं है ऐसा, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जब देते हैं तब और भी डिफिकल्ट हो जाता है जो वक्ता के लिए, थोड़ा देखा है मैंने पिछले, और ऑफ ट्रैक हो जाता है जो सिखाना होता है उससे भी। नहीं, मुझे कहीं बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन दिए गए तो मैंने उनको बड़े विनय पूर्वक बोला, मैंने कहा अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा हो ना तो एक तो आपने सोच समझ के उसको गाड़ी ड्राइव करने को दी है, और अगर आपने ड्राइव करने को दी है और आप उसे हर बार टोकोगे ना, अब ब्रेकर आ रहा है गाड़ी धीमी कर लेना, अब रेड लाइट आ गई गाड़ी रोक लेना, और तुमने तो पीछे रेड लाइट से बहुत पहले रोक ली आगे रोक लेना, तो क्या बोलेगा, भाई साहब गाड़ी आप चलाओ मैं जा रहा हूँ, आपने मुझे बिठाया है ना, आपने मेरी योग्यता देख के तो बिठाया गाड़ी चलाने के लिए, आप फिर विश्वास रखो मैं गड़बड़िया गाड़ी चलाऊंगा। तो ऐसे मैं भी बोल देता हूँ जहां जाता हूँ, कोई अगर लगे मुझे ऐसा, तो मैंने साहब आपने मेरी योग्यता देख के मुझे याद किया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप थोड़ा विश्वास रखो, मुझे कोई राग द्वेष की बात नहीं बोलना, मैं तो जो विषय लेके आया हूँ वो पूरा बताऊंगा, उसको पढ़ के जितने लोग सुधर जाए तो सुधर जाए। मैं इसका आपको कुंजन जी उदाहरण बता रहा हूँ, मैं आपको, मैं एक जगह गया था, काफी भीड़ आई थी, खंडवा का मैंने बताया था, खंडवा गया था, बहुत भीड़ आई थी, मतलब वो उनने बताया कि सौरभ जी पिछले 25 साल की ऐतिहासिक भीड़ है ये, बोले यहाँ, और उनका एक हॉल था, उनकी जो मंदिर का एक प्रांगण था, मतलब कैंपस था, वो कैंपस पूरा फुल कभी नहीं भरा, लेकिन मैं गया था तो वहां 3रे दिन बाद फुल भरने के बाद लोग खड़े रहने लगे, बैठने की जगह नहीं,
तो मुझे तो देखो नॉर्मल था, मैंने कहा भाई जहां जाओ तो सब लोग आते ही हैं 10 लक्षण में। तो बोले नहीं सौरभ जी, जितने थे इसमें से मात्र 20% आते हैं हर साल। आज हम ऐसे ऐसे लोगों को आते हुए देख रहे हैं जो हमारे महाविरोधी, झगड़ालू, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सवार है, सब लोग आए और सबने बैठ के बहुत अच्छे से सुना, पता है सबने बहुत अच्छे से सुना, परिणाम सबके शांत हुए। लेकिन मैंने कभी व्यक्तिवाद नहीं बोला कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे। मैंने साहब मैं जिनवाणी सुनाने आया हूँ, जिनवाणी बोलूंगा मैं। अच्छा, उन लोगों ने भी कोई आग्रह नहीं किया किसी ने भी कि आप अमुक व्यक्ति का नाम लो, उनने तो खुशी व्यक्त की कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या है, क्यों आए ऐसे, भाई मुझे क्या मतलब, मैं तो बस अपनी जिनवाणी पढ़ के जिनवाणी की बात सुनाने गया था। सब लोगों को अच्छी लगी, माउथ पब्लिसिटी हुई, सब लोग आ गए देखने सुनने। तो ऐसे मेरे कई जगह के एक्सपीरियंस हैं, सैकड़ों जगह के एक्सपीरियंस हैं जहां मैंने तो बस जिनवाणी पढ़ के सुनाई और कोई मुझे इस दबाव में नहीं ले पाया कि आप हमारे यहाँ ठहरे हैं इसलिए आप हम जैसा बोल लेंगे वैसा बोलो। तो इस तरह से एक वक्ता के साथ ही प्रॉब्लम तो आती है। तो यहाँ आप समझ गए आप लोग ये चीज की, ये जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पंडित जी ने जो आजीविका की बात की है, तो जैसा कि मैंने बताया काफी डिस्कस होने लायक पॉइंट इसमें रहते हैं, कि डिस्कस होने लायक पॉइंट इसमें रहते हैं बहुत सारे कि लें नहीं लें क्या करें। तो कौन लेता कौन नहीं लेता दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, मेन चीज क्या है कि इसमें आपके क्या प्रिंसिपल हैं। तो आशावान रहेगा वो व्यक्ति, और अगर कोई व्यक्ति आशावान रहेगा तो यहाँ पंडित जी ने कहा है कि वो आशावान रहेगा तो उपदेश नहीं दे पाएगा, इसलिए वो उनको आजीविका करने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आशावान रहेगा तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार ही व्याख्यान देगा। तो श्रोताओं से तो श्रोताओं वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो जाए, तो फिर अगर किसी ने पैसे दे के बुलाया तो फिर वक्ता वो श्रोता उच्च हो गया, वो तो सुनने वाला, और वक्ता हीन हो गया, जबकि बोलने वाले का तो उच्च स्थान होता है। पढ़ा रहा है ना आपको, मैं तो सबको बोलता हूँ भाई, वक्ता जो है बोलने वाले टीचर पढ़ाने वाले लोग हैं, ये तो हमें हम पर उपकार कर रहे थे, हमें जिनने पढ़ाया, मुझे जिसने पढ़ाया, गौरव जी को जिन लोगों ने पढ़ाया, हम उनका उपकार क्या दे सकते हैं, बस निरंतर मन में उनके प्रति सम्मान रहता है, जब वो मिलते हैं तो सम्मान करते हैं, क्यों, उनने हमें बिना किसी लोभ के निष्प्रय भाव से मात्र जिनवाणी समझाने के उद्देश्य से उनने हमें पढ़ाया। तो ऐसे ही जो वक्तापना है वो उच्च उच्च पद है, और अगर आपने कोई श्रोता के अभिप्राय के अनुसार बोला तो वो उच्चपना कहाँ रहेगा, वो अगर आपने कोई श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार बोला तो उच्चपना नहीं रहेगा वो। इसलिए वक्ता जो है वो आशावान नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए। प्रियंका जी क्लियर है बाला पॉइंट? जी सारू जी, मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ कई जगह कि पंडित जी आप क्लास लेते हो तो हम आपको कुछ देना चाहते, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, आप क्यों देना चाहते हो, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, मैं तो स्वेच्छा से पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, किराया उनसे फिर मैंने मांग के लिया, मैंने कहा किराया दे दीजिए आप, क्यों लिया किराया मांग के, रीजन ये है कि भाई आज ठीक है मैं तो जेब से भी किराया लगा सकता हूँ, लेकिन कभी कोई विद्वान हो और वो केवल सुनाने आ रहा हो और वो किराया नहीं दे पाए, उसको नहीं हुआ अफोर्ड करने का, और नहीं दिया, समाज को आदत डल गई मान लो कि यार सौरभ जी ने नहीं लिया था इनको भी नहीं देंगे अपन, तो फिर आगे फिर विद्वानों की परंपरा सारी खराब हो जाएगी। तो कुंजन जी एक वहां वो उसमें सोनगढ़ की कहां जयपुर की घटना है कि कोई पंडित जी लेके आ गए थे, मतलब बिना पैसे के आ गए थे किराए के, मतलब बिना किराए के आ गए थे,
तो वहां जो उनके इंस्ट्रक्टर थे उनने भेजा था कि भैया आप जाओ और लेके आओ, अगर आपने परंपरा डाल दी तो जो विद्वान जिनकी मान लो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो चले गए, पैसे नहीं लेते, किराए लेंगे वो केवल, और उनको नहीं लगाना जेब से किराया। तो वो एक समाज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख्याल में आनी चाहिए, नहीं तो समाज इतना फ्री हो जाएगा कि फ्री की चीज है तो ठीक है, फिर तो कौन सुनने आए। तो वैसे तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर किसी विद्वान को बुलाए अपन तो उस विद्वान का प्रॉपर प्रोसीजर तो होना चाहिए। इन्विटेशन दें तो किस रूप में उनका सम्मान हो, क्योंकि आप वो कोई पैसे के लिए आ नहीं रहे, और आप जिनवाणी को क्या दोगे पैसा, जिनवाणी सुनाने वाले को क्या पैसा दोगे। तो यहाँ कहा गया कि वक्तापना उच्च है श्रोतापने से, जो वक्तापना है वो श्रोतापने से उच्च है, इसलिए वक्ता को लोभी नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं आगे कि सोर्स ऑफ इट इज अ सोर्स ऑफ अकम्प्लिशिंग हिज ऑब्जेक्टिव बाय गिविंग लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ सम लिसनर्स। मोर ओवर अ प्रीचर्स रैंक इज हायर देन दैट ऑफ लिसनर्स, बट इफ ही प्रीचेस ग्रीडी देन द प्रीचर विल हिमसेल्फ बिकम इंफीरियर एंड लिसनर्स विल बिकम सुपीरियर। He should not have intense anger and haughty person will be criticized and listeners will be full of him, then how would they be benefited by him? अब ये गुण कितना अच्छा बताया। देखिए क्रोधी मानी क्यों कहा कि एक तो श्रोता जो है ना, श्रोता वो श्रोता तो देखो अज्ञानी है, तो एक तो उस वक्ता से प्रश्न बहुत पूछेंगे, मतलब आप लोग तो आपको काफी सारे आप लोगों के प्रश्न रिजोल्व हो गए, तो अभी प्रश्न आप लोगों ने पूछना बंद कर दिए, मतलब कम कर दिए। यही अपनी वाईजीपी की ये वाली क्लास जो स्टार्टिंग में थी, आप देखते कितने प्रश्न आते थे। ऐसे में जहां कहीं क्लास लेने जाता हूँ कि भाई वहां 5 दिन का सेशन है, तो इतने क्वेश्चन आते हैं क्या बताएं। पंडित जी उसी रेफरेंस से बोल रहे हैं कि भैया श्रोता आपसे बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप क्रोधी मत हो जाना। आप मानी मानी कैसा आया, देखिए अगर किसी को धन का मान आता है तो ज्ञान का भी मान आ सकता है, वैसे तो अज्ञान का मान आता है, ज्ञान का नहीं आता, फिर भी उसने कुछ पढ़ लिया हो मान लो और वो अन्य लोगों से ज्यादा जानता हो तो उसे मान तो आएगा। अन्य जी क्या कह रहे हैं कि वो क्रोधी मानी नहीं होना चाहिए, वो श्रोताओं के प्रश्न को सहने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे अच्छा तो मतलब वो क्रोधी मानी नहीं होना चाहिए, तो मतलब घर में भी अनुशासन प्रशासन के लिए क्रोध ना करें, दुकान में ऑफिस में भी क्रोध ना आए उनको, तो आप लोग बताइए उत्तर दीजिए इसका। यहाँ क्रोध ही नहीं होना चाहिए का क्या तात्पर्य है, वो प्रवचन करते समय कि घर में या अनुशासन प्रशासन बताते समय भी उनको उस रूप में भी क्रोध ना आए। प्रियंका जी आप बताइए, बाहर से अगर जैसे नॉर्मली जैसे बच्चों पे अगर क्रोध करते हैं तो वो ठीक है, उनके अच्छे के लिए बोलना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट, बट एक अपने मन से जो अंदर से जो क्रोध की भावना रहती है ना वो नहीं होना चाहिए। और वक्ता जब मतलब कोई प्रवचन कर रहा है ऐसा कुछ है तो अगर वो सही में जैसे जो वक्ता के गुण यहाँ पे बताए हैं अगर वो वैसा है तो उसको मान मतलब कषायें उसकी बहुत ही मंद रहेगी, तो क्रोध का कोई जनरल क्रोध का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ देखिए इसमें एकदम बढ़िया बढ़िया आंसर दिया प्रियंका जी कि एक तो वो घर में अनुशासन प्रशासन करने के लिए क्रोध जो होता है ना, वो क्रोध हम उसे क्रोध की कैटेगरी में ना रख के हम एक समझ लो अनुशासन प्रशासन बनाने का एक समझ लीजिए माध्यम है वो एक। और आप दुकान है ऑफिस है, अब आपके अगर आप आपके ऑफिस के बॉस हैं दुकान के मालिक हैं तो अब आपको थोड़ा सा जो आपके अंडर में दुकान पे नौकर हैं काम करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कड़क होके, तो तब वो आपसे आपका सम्मान करेंगे क्योंकि आप पैसे देते हो उनको सैलरी देते हो, डरेंगे आपसे काम करेंगे। तो वहां नहीं, घर में भी भाई घर में बच्चे पढ़ाई नहीं करें तो उनको भी डांटना पड़ेगा,
पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर प्रवचन जो श्रोता है ना, एक तो देखो श्रोताओं को ना विद्वान की पर्सनल लाइफ में ज्यादा घुसना नहीं चाहिए। ये सेंटेंस, एक सेंटेंस हमारे एक टीचर ने बोला था, मुझे हमेशा याद रहता है। क्या कुंजन जी, जब हमारा जयपुर में आखिरी साल था, विदाई समारोह था, तो हमारे एक संस्कृत के टीचर थे, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, रियली ग्रेट स्कॉलर, फिलोसफर, बहुत बढ़िया थे। तो हमने उनको बुलाया और हमने बोला, सर बोलिए आप, हमारे लिए मात्र 5 मिनट बोलिए, 10 मिनट बोलिए। आप जानते हो उन्होंने केवल एक सेंटेंस बोला था, एक सेंटेंस, लेकिन ऐसा बोला था कि 19-20 साल हो गए लेकिन अभी तक भूला नहीं। वो क्या बोले, अगर किसी से कुछ सीखना हो तो आप उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज्यादा ना जाने, नहीं तो आप सीख नहीं पाओ। मतलब किसी से कुछ सीखना हो तो सम्मान का व्यवहार तो रहे, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में घुस के ना दिखें आप, नहीं तो आप सीख नहीं सकते। क्यों, क्या होगा, वो तो क्रोध दुकान के बैलेंस बनाने के लिए कर रहा है। आप बोलो, अरे यार ऐसे पंडित जी, घर में तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको क्रोध आ रहा है, उसकी कड़क आवाज थोड़ी अनुशासन प्रशासन बनाने के लिए। आप बोलोगे बस ये पंडित जी है, ओहो। तो वो नहीं होना चाहिए एकदम से। अब यहां जिस क्रोध की मनाई है वो कौन सा है, तो कह रहे हैं आपसे, आप सभा में गद्दी पर बैठे हुए हो, वहां तो वक्ता को क्रोध नहीं आना चाहिए। कब नहीं आना चाहिए, कोई अगर जिनवाणी के विपरीत बोलता है तो वो उसे समझा सकता है कड़क शब्दों में कि भाई जिनवाणी में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर वो वक्ता चिढ़ जाए, तो कहते हैं अगर आप चिढ़ गए प्रश्न पूछने से तो श्रोता डरेंगे आपसे, तो श्रोता डरेंगे और फिर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो एक तो आपकी पर्सनैलिटी प्रवचन करते समय क्रोध रहित तो होना चाहिए, यूं समझ लो, कम क्रोध के नहीं, क्रोध रहित तो होना चाहिए, क्योंकि वक्तापने की बात चल रही है। अच्छा, फिर मान की बात आ जाती है। देखिए धन का मान तो सबको पता ही पता है, लेकिन ज्ञान का भी मान हो जाता है। हम अपने आप को समझदार समझने लगते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञान का मान हो जाता है। ज्ञान के मान में फिर उसको ऐसा लगता है कि भैया मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ और ये तो सब बिल्कुल, ये तो ढोर है, ये लोग तो कुछ आते ही नहीं इनको। तो पंडित जी ने मना कर दिया, वो वक्ता जो है ना तीव्र क्रोधी और मानी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, सम्मान उसका होना चाहिए, लेकिन वो क्रोधी मानी नहीं होना चाहिए। मुझे तो इतना आता है, तुम्हें क्या आता है? तो मेरे ख्याल से ये आपको क्वालिटी समझ में आ रही होगी कि तो तीव्र क्रोधी मानी वो वक्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक तो लोग निंदा करेंगे। दुनिया में क्रोधी और मानी के साथ कौन रहना चाहता है? और अगर श्रोता उससे डरते रहेंगे तो फिर उनकी बात कैसे सुनेंगे? आप लोगों को समझ में आ रहा ना ये पॉइंट? आदर्श जी, ये जो पॉइंट चल रहा है हमारा, तो आपको समझ में आ रहा ना क्या चर्चा चल रही है हमारी? हाँ हाँ सौरभ जी, मतलब वक्ता बने का स्वरूप चल रहा है, तो कह रहे हैं कि वो तीव्र क्रोधी और मानी नहीं होना चाहिए। राइट, समझ रहा है। नहीं तो कुंजन जी क्या है, वो लोग श्रोता डरेंगे आपसे, और ये आपने भी देखा है ना कुंजन जी, आपने भी, आप पढ़ते हो, आपने फील नहीं किया? सौरभ जी ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे स्टार्टिंग में जो कोई स्टार्ट करता है ना क्लास, नया क्लास, तो उसके डाउट ज्यादा होते हैं, राइट। और सेकेंड थिंग ये है कि उसको नहीं पता होता है, जैसे जस्ट सिंपल एग्जाम्पल ऐसा है, 4-5 साल पहले जब हम श्वेतांबर में से दिगंबर का चालू किया, राइट, तो जब भी हम लेक्चर्स में बैठते थे नॉलेज कम होता था, पता नहीं होता था जो बातें चलती है, राइट। और साथ में एक ये भी होता था कि नहीं आता है, राइट, तो वो सिखाते थे तब हम क्वेश्चंस करके जानना, और वो तो ज्यादा होता है। तो आपका, आपकी बात जो है वो बहुत बहुत ही वहां सेट होती है कि क्वेश्चंस पूछने के लिए, वो अगर यू नो कोई गुस्सा हो जाए या ऐसा, अरे इतनी छोटी बात नहीं पता, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, नो डाउट के कभी सुना नहीं है, जैसे आपने एटलीस्ट अपने दिगंबर में तो ऐसे नहीं देखा मैंने। और सेकेंड थिंग, आपके आपके डाउट्स पूरे क्लैरिफाई हो जाए और आप फिर से और क्वेश्चंस पूछे, सो दैट मेक्स बहुत बहुत अच्छे से वो सेंस करता है। हाँ, और इसमें भी वो क्रोध तीव्र मानी नहीं होना चाहिए, नहीं मुझे सब आता है, तुम जो बोल रहे हो गलत है।
वो भी एक बड़ी बात है कि नॉलेज का मतलब इतना ये नहीं है कि वो दूसरे की भी बातें सुने, कि मल्टीपल व्यू पॉइंट होते हैं, अनेकांतवाद में भी बिलीव करना जरूरी है। अगेन वो धर्म को पालता तो हो बट उसके साथ ऐसा ना हो कि एक ही मत लेके बैठे, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब वो मानी क्यों ना हो जाए, क्योंकि किसी के पास नॉलेज बहुत गैदर हो जाना कॉमन पब्लिक से ज्यादा, तो उसे मान आना बड़ा स्वाभाविक है। तो पंडित जी ने यहाँ कह दिया कि भाई साहब वो जो वक्ता है ना, वो एक तो तीव्र मानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानी रहेगा तो मानी लोगों से जनता डरती है। अरे अपन भी तो घमंडी लोगों से दूर भागते हैं। मतलब मैं तो पर्सनली बताऊं, मैं तो जो बहुत धन का जिनको बहुत मान है ना, मैं तो भैया ना उनके पास जाता हूँ ना उनसे बात करता हूँ। क्यों भाई? तुम्हारा धन तुम्हारे काम का है ना, और तुम्हें ऐसा कर्तापने का भाव है कि भाई ये सब तुमने कमाया तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आप जैसे मानी से बात नहीं करना। पंडित जी ने यही कहा है कि जो अगर मानी हो गए ना विद्वान, तो श्रोता उनसे बात ही नहीं करेंगे, डरेंगे। हम भी देख लें अपने लौकिक जीवन में, एक मानी व्यक्ति से घमंडी व्यक्ति से कौन जुड़ना चाहता है, बता दो आप। आप में से मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति अपने दोस्तों की सूची ऐसे लोगों से नहीं बनाएगा जो कि तीव्र मानी हो क्रोधी हो। आप दोस्ती नहीं करोगे उनसे तीव्र क्रोधी और मानी से। तो ये गुण पंडित जी बता रहे हैं कि एक तो वो जो वक्ता है ना वो तीव्र क्रोधी और मानी नहीं होना चाहिए, निंदा होगी लोग उससे डरेंगे, फिर अपना हित कैसा कैसे करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट आया कि 6 नंबर का, ही शुड हाईली पैशनेट एंग्री एंड हॉटी पर्सन विल बी क्रिटिसाइज्ड, द लिसनर्स विल बी फियरफुल ऑफ हिम, देन हाउ वुड दे बी बेनिफिटेड बाय हिम, कैसे उनको बेनिफिट होगा। 7 नंबर का पॉइंट बोल रहे हैं, ही शुड हिमसेल्फ रेज डिफरेंट क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड आंसर, इफ अदर पीपल रेज क्वेश्चंस मेनी टाइम्स इन डिफरेंट वेज, देन थ्रू सॉफ्ट वर्ड ही शुड क्लैरिफाई इन सच अ वे दैट देयर डाउट इज रिमूव्ड। अब ये कितनी बढ़िया बात, कि पहले तो वो नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, और अन्य जीव अनेक प्रकार के प्रश्न बहुत बार करें तो मिष्ट वचन अच्छे वचन के द्वारा उत्तर दे, और उसका संदेह दूर हो जाए ऐसा उत्तर दे, टालने के लिए ना दे, उसका संदेह दूर हो जाए तो वैसी स्टाइल से उत्तर दे। वो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया ना, नहीं मैंने नहीं बोल दिया, जिनवाणी में ये लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ कहा कि भाई वो जो है अनेक प्रकार के प्रश्न खुद ही उठाए। अब खुद क्यों उठाए? तो अभी क्या श्रोताओं में इतनी बुद्धि पैदा नहीं हुई है कि वो श्रोता जो है वो बहुत सूक्ष्म प्रश्नों को कर ले। तो कहा कि भाई वो अनेक प्रकार के प्रश्न खुद ही उठाए, तो श्रोता कहेंगे हाँ हाँ हमारे मन में ये आ रहा था, लेकिन हम ना थोड़ा सा संकोच के कारण से पूछ नहीं पा रहे थे। फिर दूसरा श्रोता बोलेगा अरे ये वाला क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था लेकिन मैं भी ना पूछ पाया। तो द्वारा समाधान करे संदेह और उत्तर देने की सामर्थ्य हो तो ऐसा कहे मुझे ज्ञान। सौरभ जी आवाज नहीं आ रही आपकी। यहाँ और अच्छी बात कही कि अगर उस वक्ता को नहीं पता है तो कहे कि भाई ये उत्तर मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अगर आप श्रोताओं के उत्तर नहीं देंगे तो उनका डाउट कैसे दूर होगा, और तब कल्याण कैसे होगा, और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो पाएगी। तो आप समझते जाइए ये एक श्रोता हमें किससे सुनना है, पता है? ये पंडित जी हमें ये बता रहे हैं कि हमें सुनना किससे है, हमें सुनाने वाला कैसा होना चाहिए। भी आप अपने वेल्थ मैनेजर अपॉइंट करते हैं, हेल्थ डॉक्टर अपॉइंट करते हैं, तो कैसे करते हैं? जिनमें आप जिनकी क्वालिटी देख लो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जो टाइम टेस्टेड है कि नहीं है, इतनी सारी चीजें देखने के बाद आप वेल्थ मैनेजर हेल्थ मैनेजर आप अपॉइंट करते हैं।
ऐसे ही जो विद्वान हैं या हमें विद्वान बनना समझ लीजिए, तो अगर हमें समझाना है तो ये क्वालिटीज हमें होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो श्रोताओं का संदेह कैसे दूर होगा, और श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा, उनका जन्म की प्रभावना कैसे होगी। तो इस तरह से ये वक्ता का स्वरूप हमारा कंटिन्यू है। काफी गंभीर और अच्छा विषय है ये, क्योंकि एक बार ये विषय समझने के बाद में हमें कभी ये डाउट नहीं रहता कि हम किससे सुने। टोडोमल जी ने पैरामीटर्स दे दिए, इसके बारे में विचार कीजिए और बताइए मुझे अगली बार। अभी अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम लोग अभी क्लास क्लोज करते हैं। और जी यहाँ पे एक बात मुझे ऐड करनी थी कि जो यहाँ पे कहा गया है ना कि जैन मत में मानना, और वैसे तो वो बात हम इसमें भी देखते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो जैन में कार्यकारी बनते हैं मंदिर में, कैसे वो खुद अगर जैनिज्म में फॉलो ना बिलीव ना करे फॉलो ना करे तो वो भी हम देखते हैं कि बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं उसकी वजह से। तो वो ऐसे ही वक्ता में भी वो देखना बहुत ही होना बहुत जरूरी पता चलता है। हाँ वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल मंदिर में भी ऐसे ही होता है। मंदिर में तो फिर क्या क्या मान की लड़ाई हो जाती, मान सम्मान की लड़ाई हो जाती। और दूसरा ये कि वो जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगेन जस्ट जैसे अष्टमूल गुणों का भी पालन ना करता हो कोई, और जब वो पोजीशन में हो तो कभी कभी कुछ चीजें उसमें उनमें ध्यान ही नहीं होती है कि अरे शाम को लेट हो गया कैसा हो गया, तो वो समझ में समझाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैसे ही मैं वक्ता में भी वही बात थोड़ी हाईलाइट करने जैसी है कि वो जानना बहुत ही जरूरी है। मतलब ये कोई जो जिस वक्ता की बात हो रही है ना, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। अभी आप लोग नेक्स्ट पेज में तो पता क्या पढ़ेंगे, वो वक्ता सुंदर होना चाहिए, अंग भंग नहीं होना चाहिए उसका, स्वर भंग नहीं होना चाहिए। मतलब वक्ता तोतलाता है ना तो वक्ता पने का अधिकारी नहीं है वो, उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए कि भाई एक आंख फूटी है, अगर है तो वो वक्ता नहीं बन सकता, वो सम्मेलन प्राप्त कर सकता है। क्यों नहीं बन सकता भाई, लोग वक्ता को निरंतर देखते रहते हैं, वो सुनाता है लोग देखते हैं, तो उनके मन में उसको देख के कैसे भाव आएंगे, और फिर वो वैसी इमेज बना लेगा, अच्छा जैन धर्म सुनाने वाले मतलब ये एक आंखें होते हैं। तो अभी पंडित जी बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं वक्ता के बारे में, फिर श्रोताओं का नंबर हमारा आएगा। इस तरह से हमारी आज की क्लास पूरी हुई, हम लोग अभी नेक्स्ट संडे मिलेंगे। सरल जी अपने जो लास्ट वाला भी सेंटेंस बोला ना, उसमें लोग ये भी तो सोच उल्टा भी सोच नहीं सकते क्या, जैसे कि अगर जैसे कोई अंग भंग है फिर भी वो इतना अच्छा बोल रहा है, फिर भी वो उसमें इतनी अच्छी नॉलेज है, या उसको मान नहीं है, या कोई भी चीज का ऐसा नहीं है। नहीं देखिए ऐसा मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा नहीं है। एक कंपनी में सीईओ की पोस्ट खाली थी और कंपनी काफी बड़ी थी, बहुत अच्छी अर्निंग थी उस कंपनी की, सीईओ की पोस्ट खाली थी। उनका लड़का रिसेंटली आईआईएम से पढ़ के और अभी कंपनी उसने ज्वाइन की थी, तो कंपनी ज्वाइन करी 10 दिन 15 दिन हो गए, और 15 दिन बाद उन्होंने देखा कि भाई वो कंपनी ने कोई नया सीईओ अपॉइंट कर दिया। अब जो ये सेठ जी के लड़के आए थे, इनको लोगों ने भड़काना चालू किया, कैसे हैं तुम्हें पापा, तुम्हें सीईओ नहीं बनाया, वो नए को बुला लिया, तुम तो बेटे हो ना उनके। पापा के पास पहुंचा वो, पापा आपने मुझे क्यों नहीं बनाया, बोले बेटे बनाएंगे ना तुम्हें, आगे कंपनी सारी संभाल ली। लेकिन हर पद की बेटा एक योग्यता होती है, हमारी कंपनी में मैं जो डिवीजन सीईओ को देता हूँ जो संभालता है ना, उसमें बेटा 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो मुझे कोई व्यक्ति से मतलब नहीं है यहाँ, उस पद पे लेके इतनी योग्यताएं होना चाहिए। तो क्या प्रियंका जी, वो अगर आपने टाइटल लिया है तो आप में इतनी चीजें होना चाहिए। तो वो लड़के ने खुद ही जिद नहीं करी, वो समझ गया पापा अयोग्य है अभी। ऐसे अगर आपने देख लिया कि जिनवाणी के कहे अनुसार हम योग्य नहीं है, वक्तापने के अधिकारी नहीं है, तो नहीं है, उसमें क्या है।
क्लियर है प्रियंका जी? हाँ सर जी, थैंक यू जी। यहाँ पे और एक बात हो सकती है कि एडवांस मतलब जो ज्यादा शास्त्र पढ़े हैं वैसे श्रोता हो तो वो समझ भी सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं मतलब नए हैं उनके लिए तो वो यू नो वो एक यू नो वो नहीं समझ सकेंगे, इसलिए भी एक मैं सर समझता हूँ। नहीं देखिए, मैंने बोला ना जिनवाणी का तो सेट रूल्स हैं कि भाई ये वक्ता के गुण हैं, ये होना चाहिए वक्ता में, ऊपर नीचे थोड़े हो सकते हैं, भाई 19 से 20 18 20 से तो हो सकता है, लेकिन ये गुण हो ही नहीं वक्ता में तो पंडित जी कह रहे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे बताएं, अंग भंग ना हो, स्वर भंग ना हो, लोक में प्रसिद्धि हो, ऐसे कई सारे गुण बताने वाले हैं वो, तो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति लेते हैं और आप लोग अगली बार के लिए पढ़ के आइए समझ के कि भाई वक्ता में और कौन कौन से गुण होते हैं जो पंडित जी ने कहे हैं, ये एक्चुअल में पॉसिबल है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं, ऐसे अनेक क्वेश्चंस पैदा हमें हो सकते हैं। तो चलिए हम जिनवाणी स्तुति लेते हैं। ठीक है सर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जी आपने वो कुंतुनाथ भगवान की स्टोरी डाली और फिर निकाल दी, सो आई डोंट नो क्या हुआ। नहीं नहीं फिर से डाल दी। अरे वो क्या था कि अपलोड हुई ना तो एक मैं फाइनल जब मैंने चेक करी, फाइनल मैं चेक करता हूँ तो मैंने चेक करी दैट वाज ओके, लेकिन जब टीम ने अपलोड करी पर अपलोड करने के बाद जब मैंने सुनी तो उसमें गड़बड़ हो गई, तो फिर मैंने फिर से डाल दी, पोस्ट कर रहा हूँ मैं। ओके नहीं मैं समझ गया कि कुछ मिस्टेक मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपने, लेकिन मेरे को लगा। अरे वो क्या यूनिवर्सल चीजें है ना, एक बार चली जाए फिर गलत चली जाए तो मजा नहीं आता। हाँ नहीं नहीं वो बराबर है सौरभ जी, वो अच्छा है सच्ची में। अगर आपको ऐसा भी करना हो तो आप स्टार्टिंग में एक बार डाल के मुझे बोल देना फर्स्ट टाइम और मैं देख लूंगा और फिर ही हम फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो फिर यू नो थोड़ा ये प्रॉब्लम तो होता है आप जो बोल रहे। हाँ वो तो वैसे टाइम मतलब टेस्टिंग करते हैं अपन, काफी हार्ड चेकिंग करते हैं। हाँ और सौरभ जी और एक अच्छा फीचर इसमें है यूट्यूब पे, क्या प्रीमियर की डेट डाल दो और उसको पहले से ही सेट करके वो दे दो, तो आप उसमें टाइम भी मिलेगा कि ये डेट के बाद के मतलब होगी तब तक आपकी चेक भी हो जाएगी ना। सो प्रीमियर का वो एक अच्छा एक ये है फीचर है उसमें यूट्यूब पे। हाँ हाँ वो देखा मैंने, नहीं तो डाल दिए वैसे, अभी मैं पोस्ट कर ही रहा हूँ सब जगह डाल दिए। ओके ठीक है सर जी, चलिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सर जी।